विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस भिलाई नगर दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। इंडस्ट्रियल ड्राफ्टिंग बी थर्ड सेमेस्टर मेकाट्रॉनिक बेस्ड ऑन जीटीयू अहमदाबाद सिलेबस से यूनिट 6 मैकेनिकल एलिमेंट्स फॉर पावर ट्रांसमिशन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ गियर पेयर के बारे में बात करेंगे। गियर्स आर मशीन एलिमेंट विच आर यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन बिटवीन शाफ्ट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप। ईच गियर इज प्रोवाइडेड विथ प्रोजेक्शंस कॉल्ड टीथ एंड इंटरमीडिएट डिप्रेशन कॉल्ड टूथ स्पेसेस। व्हाइल टू गियर्स आर मेसिंग the teeth of one gear enter the spaces of the other. Thus, the drive is positive and when one gear rotates, the other also rotates. The transmit power from one shaft to the other. Gears are classified on the basis of the shape of tooth profile and the relative position of the shaft between which. Power transmission takes place. The pictorial view of some of the most commonly used gear train are shown in figure. This is spur gear, helical gear, bevel gear, worm gear, rack and pinion. These are type of gears. Gears nomenclature. Figure shows the part of spur gear indicating all the terms associated with the gearing. These terms are also applicable to all types of gear. Gear teeth addendum, dedendum circle, pitch circle diameter. This angle, pressure angle, phi, pitch point, line of action, base circle diameter, this is clearances. So, ये जो gap है, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, ये clearances है, ये pitch circle का circle है, ये thickness है, teeth का, ये root है, ये फेस है, फेस विड्थ है, ये फेस फ्लैंक है, फिलेट। गियर्स एंड गियरिंग। गियर्स विथ पिच सर्कल डायमीटर लेस देन 10 सेंटीमीटर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सॉलिड ब्लैंक विथ यूनिफॉर्म थिकनेस। व्हेन पिच सर्कल डायमीटर लाई बिटवीन द 10 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर गियर आर प्रोड्यूसिंग विथ ए वेव कनेक्टिंग द हब एंड द रिम। The wave thickness TW may be taken as equal to the circular pitch of the gear. Still larger gears are produced with arms. The number being depend upon the pitch circle diameter. The rim thickness TR, the thickness of the metal under the teeth may be taken as equal to the teeth depth of the teeth. ये देखिए अगर सॉलिड गियर रहेगा तो ये वेव्स नहीं रहेंगी, ये छोटा है 10 mm से छोटा रहेगा तो उसमें ये वेव्स नहीं रहेंगी, और अगर 10 mm टू 25 सेंटीमीटर तक के गियर रहेंगे तो उसमें इस हब को और इस गियर के रिम को जोड़ने के लिए ये वेव्स होंगे। इस पर गियरिंग टू स्पर गियर इन मेस इज नाउन एज स्पर गियरिंग इन ऑल गियरिंग एक्सेप्ट वार्म गियरिंग द स्मॉलर ऑफ द टू गियर्स इज कॉल्ड द पिनियन एंड द लार्जर वन द गियर आर गियर व्हील। ये देखिए ये छोटा गियर है इसलिए इसमें वेव नहीं है, ये हब इसी ब्लैंक में इंक्लूडेड है। ये बड़ा गियर है
इसमें ये वेव है, ये हब को इस टूथ ब्लैंक के साथ जोड़ने के लिए ए वेव है, ए वेव है। और ये गियर का मैसिंग है, इस छोटे से गियर से इस बड़े गियर को, यहाँ पर इनके टीथ के आपस मैसिंग को इनको गियर मैसिंग करते हैं, इस पर गियर का गियरिंग अरेंजमेंट है। हेलिकल गियर, हेलिकल गियर हैव टीथ इंक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन एट एन एंगल नाउन एज हेलिक्स एंगल। दिस आर ऑल्सो यूज टू कनेक्ट पैरेलल शाफ्ट। वेन द हेलिकल गियर आर यूज द शाफ्ट बियरिंग आर सब्जेक्टेड टू द थ्रस्ट लोड्स विच मे बी एडजस्टेड बाई यूजिंग ए डबल हेलिकल गियर, हेयरिंग एंड बोन गियर। दिस इज इक्वलेंट टू टू हेलिकल गियर ऑफ अपोजिट हैंड माउंटेन साइड बाई साइड ऑन द सेम शाफ्ट। दिस अरेंजमेंट डेवलप अपोजिट थ्रस्ट रिएक्शन एंड दस कैंसल ईच अदर। हेलिकल गियर, इसकी जो गियर का जो एंगल होगा या टीथ होगा, टीथ इंक्लाइंड होता है, इसकी वजह से एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज़्यादा होगा और यह ज़्यादा लोड ले सकेगा। हेलिकल गियरिंग, टू हेलिकल गियर इज मैस इज नाउन एज द हेलिकल गियरिंग। हेलिकल गियरिंग इज नॉइसलेस इन ऑपरेशन बिकॉज ऑफ द मोर ग्रेजुअल एंगेजमेंट ऑफ द टीथ ड्यूरिंग मैसिंग। ये देखिए, ये इसका गियर का एंगल है, इसके गियर का एंगल, क्योंकि मैसिंग होंगे इनका जो एरिया होगा ज़्यादा होगा, इसलिए इस हेलिकल गियरिंग में नॉइस कम होता है ऑपरेशन के दौरान और यह ज़्यादा लोड लेते हैं। बेवल गियर, इन बेवल गियर्स द टीथ आर फॉर ऑन ए कॉनिकल सर्फेस एंड आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर बिटवीन द इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। बेवल गियर्स मे बी क्लासिफाइड एज स्ट्रेट टीथ बेवल गियर एंड स्पाइरल बेवल गियर। हाइपोइड गियर्स आर सिमिलर टू द स्पाइरल बेवल गियर्स एक्सेप्ट दैट द शाफ्ट आर ऑफसेट एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। बेवल गियर्स मे बी यूज टू कनेक्ट शाफ्ट एट प्रैक्टिकली एनी एंगल 90 डिग्रीज बीइंग द कॉमन वन। ये देखिए, ये बेवल गियर है, इसका टीथ है इस तरह से इंक्लाइंड रहते हैं और ये हब है, ये वेव्स हैं और यह जो है पिच लाइन है। बेवल गियरिंग, टू बेवल गियर इज मैस इन नाउन एज बेवल गियरिंग। इन बेवल गियरिंग द पिच कोन एंगल ऑफ द पिनियन एंड गियर आर टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम द शाफ्ट एंगल, द एंगल बिटवीन द इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। ये देखिए, बेवल गियरिंग में क्या होता है, ये बेवल गियर बड़ा है, इसमें शाफ्ट इधर लगा है, इसको रोटेशन यहाँ से जो मिल रहा है वह इसको रोटेशन दे रहा है। इसका देखिए, ये दोनों शाफ्ट 90 डिग्री पर होते हैं, इनके मैसिंग ये हैं और इसमें ये है पिच कोण, ये रेडियस, ये इसका हब है और इसका हब है। ये देखिए, इनकी जो एंगल होंगे अल्फा वन और अल्फा टू टोटल 90 होंगे। वार्म एंड वार्म गियर, वार्म एंड वार्म गियर इज ए कॉम्बिनेशन इन मैसिंग इज नाउन एज अ वार्म गियरिंग एंड इज यूज टू स्पीड रिड्यूसर्स रिक्वायरिंग लार्ज रिडक्शंस। इन वार्म गियरिंग द ड्राइविंग मेंबर इज द वार्म विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्रू हैविंग ट्रेपेज़ॉइडल थ्रेड्स। द वार्म मे हैव सिंगल और मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड विच आर लेफ्ट और राइट हैंड इन नेचर। द ड्राइवन मेंबर इज नाउन एज द वार्म गियर और वार्म व्हील। इन वन ऑफ द डिजाइंड द वार्म गियर इज इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल गियर विथ टीथ कट ऑन ए कॉनकेव सेट पेरिफेरली एंड दस इवॉल्विंग द वार्म।
ये देखिए, ये इनका गियरिंग, वॉर्म गियरिंग है, ये इस तरह से है, इसका टीथ इस डायरेक्शन में, ये इसमें स्क्रू फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ स्क्रू होता है, और इसमें टीथ बने होते हैं, जिस ये इसका ड्राइव और इसका ड्राइव इस डायरेक्शन में होता है। सम कन्वेंशंस ऑफ गियर्स, स्पर गियर ये इस तरह का दिखता है और इसका कन्वेंशन ऐसा होता है। बेबिल गियर ये इस तरह से दिखता है और इसका कन्वेंशन इस तरह का होता है। वार व्हील ये इस तरह से गियर होता है और इसका कन्वेंशन इस तरह का होता है। वार्म ये देखिए इस तरह का होता है और इसका कन्वेंशन इस तरह से होता है।